रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 18 सितंबर, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, तीनों के तीनों शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि हमारे पास आए हैं, हमने सारे प्रश्न को इस वीडियो में एक साथ कर दिया है और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमने सबको कर लिया है। आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अगर आप इसका पूरा पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाओ और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9319577627627। ठीक है, एक बार और देख लो, 9319577627। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो ये एक जीएस का प्रश्न है और इसका सही जवाब हो जाएगा 80%। हमारा जो शरीर है वो 80% जल से बना हुआ है। जग्गी वासुदेव को पद्म विभूषण से क्यों नवाजा गया है या फिर किस लिए नवाजा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सदगुरु, सदगुरु के लिए उन्हें नवाजा गया है पद्म विभूषण से। इलाहाबाद बैंक के प्रमुख कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उषा अनंत सुब्रमण्यम। उषा अनंत सुब्रमण्यम जो है वही अभी इलाहाबाद बैंक के प्रमुख है। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो हमें यहाँ पे बेकिंग सोडा का अनुसूत्र बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा NaHCO3। NaHCO3 जो है वही बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है। समुद्री गहराई किससे मापी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फैदोमीटर। फैदोमीटर जो है इसी से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। तमिलनाडु में किस पार्टी की सरकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा AIDMK। तो ये देखिए, ये एक रीजनिंग का प्रश्न है कि 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, और ये जो है ALP टेक्नीशियन में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2048। 2048 का जो कैलेंडर होगा वो 2020 के कैलेंडर के समान होगा। और ये जो है थर्ड शिफ्ट का प्रश्न है कि गोल्डन बूट पुरस्कार फीफा में किसको मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैरी केन। हैरी केन को ही गोल्डन बूट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बताना है। तो कल भी ये प्रश्न पूछा गया था मैग्नीशियम का, ठीक है, तो आज पूछा गया है कैल्शियम का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20। 20 जो है ये कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है। बाहुबली फिल्म में भलाल देव का रोल किसने किया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा राणा डुग्गू। ये जो प्रश्न है ना, यही प्रश्न बच्चों के मार्क्स को जो है कम करता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न का जवाब बहुत से बच्चों को नहीं पता। किसे पता है कि बाहुबली मूवी में भलाल देव का रोल किसने किया है? ज्यादा से ज्यादा बच्चे ये जानते हैं कि उसका एक्टर कौन है या फिर एक्ट्रेस कौन है, लेकिन इसमें पूछा गया है भलाल देव कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राणा डुग्गू। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किस नंबर के द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर जो है इसी से पेट्रोलियम की गुणवत्ता को प्रदर्शित किया जाता है। और ये कि ये एक रिपीट प्रश्न है, कल भी ये पूछा गया था कि जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च। कल पूछा गया था जल दिवस कब मनाया जाता है, आज बस उल्टा कर दिया गया है कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसीलिए एनालिसिस आपको देखना चाहिए, इससे बहुत फायदा होता है। देखिए आज प्रश्न पूछ लिया गया, बस हल्का सा चेंजिंग है, लेकिन अगर कोई ध्यान रखेगा तो वो सही जवाब देकर ही आएगा। भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये मुख्य न्यायाधीश के ऊपर एक प्रश्न है और इसका सही जवाब हो जाएगा दीपक मिश्रा। जो दीपक मिश्रा है वो वर्तमान में भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश है। और ये एक जीएस का प्रश्न कि लेंस का पावर किसमें मापी जाती है? तो ये 10th क्लास में ही हमारे जो साइंस विज्ञान की जो पुस्तक थी उसमें लिखा हुआ था डायोप्टर। जो लेंस की पावर जो मापी जाती है वो डायोप्टर में मापी जाती है। और ये एक करेंट अफेयर का प्रश्न कि रोड सेफ्टी कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर प्रश्न पूछा गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जो है वही रोड सेफ्टी कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर है। तो ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर प्रश्न आता ही है, मैंने ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर भी वीडियो अपलोड कर रखा है, आप जाकर एक बार देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 से 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है। और ये एक जीएस का बहुत ही इजी प्रश्न, हमने 10th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था साबुनीकरण, तो उसी टॉपिक से प्रश्न आया है कि साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा साबुनीकरण।
पिच ब्लेड किसका अयस्क होता है? तो हमें इसमें पिच ब्लेड का अयस्क बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम जो होता है ये होता है पिच ब्लेड का अयस्क। तो ये जीएस का एक प्रश्न है और ये आपको ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है कि डी ग्रुप में ना आए तो किसी काम का नहीं है, अभी आप हो सकता है आगे और भी एग्जाम दो, तो ये सब जो है ना अयस्क ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर के क्वेश्चन बेशक आप भूल जाओ, लेकिन जीएस के क्वेश्चन को याद रखो। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये जो चैनल है ना ये सिर्फ और सिर्फ रेलवे के लिए ही बनाया गया है। इस पे सारे वीडियो आपको रेलवे से रिलेटेड ही मिलेंगे, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन यहीं पर मिलेगा। और ये एक राष्ट्रपति के ऊपर प्रश्न, ठीक है, जनरल अवेयरनेस है कि नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी जो है वो नेपाल के वर्तमान के राष्ट्रपति हैं। ये एक प्रश्न है जनरल अवेयरनेस से कि एशियन के कुल कितने सदस्य हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10। 10 जो सदस्य है ना वो एशियन के सदस्य हैं। जो 10 कुल जो है 10 सदस्य मिलकर एशियन के एक समूह को बनाते हैं। कल भी एक राजधानी के ऊपर प्रश्न आया था, आज भी आया था। देखो एनालिसिस देखने का फायदा आपको टॉपिक पता चलता है, ठीक है, टॉपिक पता चले आप उस टॉपिक को अच्छे से गहन अध्ययन कर लो, ठीक है, गहन अध्ययन करके जाओ, फायदे में रहोगे। तो आज जो पूछा गया है मॉरिशस की राजधानी कहाँ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस ही मॉरिशस की राजधानी है। और ये एक प्रश्न, हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है? तो सबको पता है कि हरिद्वार कहाँ स्थित है, तो गंगा नदी के पास में स्थित है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया है, हालांकि सारे प्रश्न डी ग्रुप में इतने भी सिंपल नहीं है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि बहुत सिंपल है, कुछ प्रश्न टफ है, ठीक है। तो 50-50 मान के चलो कि क्वेश्चन का जो लेवल है ना ज्यादा टफ ना ज्यादा इजी, अगर पढ़ के जा रहे हो तो आपके लिए सब संभव है, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ये भी 10th क्लास का प्रश्न है, ठीक है, जीएस का प्रश्न है, और इसका सही जवाब हो जाएगा 46। अगर सिर्फ गुणसूत्र की बात की जाए तो 46, लेकिन अगर जोड़े में पूछा जाए, ठीक है, कि कितने जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं। एक जोड़े में कितने, तो 2 होते हैं, तो इसलिए इसका सही जवाब 46। अगर जैसा आपका ऑप्शन है उस हिसाब से आप सही करके आओ, अगर जोड़े की बात की जाए तो 23, अगर बात की जाए गुणसूत्र तो 46। और ये एक प्रश्न जनरल अवेयरनेस, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? देखिए ये जरूरी नहीं है एग्जाम के लिए, तो चलो अच्छा है पूछ लिया गया, हो सकता है रिपीट भी हो जाए, लेकिन खुद भी ये नॉलेज होना चाहिए कि आपने हमेशा सुना है कि जो तेल होता है या फिर पेट्रोल होता है ये बैरल में आते हैं, तो एक बैरल में आखिर होते कितने हैं? तो 159 लीटर जो होता है एक बैरल में आते हैं। और ये एक करंट अफेयर का प्रश्न, और वो भी योजना के ऊपर, कन्या वन समृद्धि योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने चलाया है, इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो एक बार। सबसे हल्की तरल धातु कौन सी है? तो इसकी सही जवाब हो जाएगा मरकरी। आपने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये भी 10th का प्रश्न है, लेकिन बच्चे 9th से ही जानने लगते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न, क्योंकि ये एक्सेप्शन में भी आने लगता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि सबसे हल्की अगर बात की जाए धातु की तो मरकरी। जरूरी नहीं है कि रेलवे इस क्वेश्चन को रिपीट करे, लेकिन नॉलेज तो होना चाहिए ना। ये मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, पता है ये 2 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर ये दूसरा प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर ये दूसरा प्रश्न है, और पूछा गया है जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि अमिताभ बच्चन जो है वो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। तो ये दूसरा प्रश्न था, आप देख सकते हैं कि ये दूसरा प्रश्न है। अगर ब्रांड एम्बेसडर आप पढ़ के जा रहे हैं तो आपको 1 से 2 नंबर का फायदा होगा, अगर आप जब 1 से 2 नंबर से चूक जाओगे ना तो आपको बहुत अफसोस होने वाली है, इसलिए टॉपिक को पढ़ लो। और ये पुरस्कार, ये पुरस्कार के ऊपर ना मैं ये 4th या 5th क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं जो पुरस्कार के ऊपर है, तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होगे भाइयों, पढ़ लो एक बार पुरस्कार के ऊपर, क्योंकि इससे 4 से 5 नंबर का प्रश्न आता है, ठीक है, कम से कम 2 नंबर तो आएगा ही आएगा, पढ़ लो फायदे में रहोगे। और प्रश्न जो पूछा गया है, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गांधी। जो गोपाल कृष्ण गांधी है उन्हीं को राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
और लीजिए आ गया एक प्रश्न अध्यक्ष के ऊपर और वो भी उसके ऊपर जिसका हम एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर ऐसा प्रश्न आपको नहीं आता है तो आपको बहुत अफसोस करना चाहिए। पूछा गया है रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष का क्या नाम है, ठीक है, तो यहाँ पे अध्यक्ष का नाम पूछा गया है। आप सभी लोग आजकल भरोसा नहीं करते हो नोटिफिकेशन पे, कहते हो यार पीडीएफ दे दो या फिर नोटिफिकेशन दिखा दो या लिंक दे दो, तो उस लिंक के नीचे में जो नोटिस रहता है उसके नीचे लिखा रहता है अश्वनी लोहानी। तो अश्वनी लोहानी कौन है, तो रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष है। और ये एक जो है जीएस का प्रश्न कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ठीक है, कल जो है पूछा गया था कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत। यकृत जो है ना यही मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है और ये प्रश्न कल भी पूछा गया था, तो इसलिए एनालिसिस को देखो, डेली देखो, अच्छे से देखो, जब टाइम मिले तब देखो, लेकिन देख लो। टाइम कम है, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड तीनों शिफ्ट का जो मैचिंग है इसे देख के बैठ जाओ। सबका तोड़ यही है, मैं ये नहीं कहता हमारे चैनल से देखो, जहां मिल रहा है वहीं देख लो, लेकिन देख लो क्योंकि ये जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने लिखा सेकेंड, आपको पता है मैंने क्यों लिखा, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये सेकेंड क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं किससे, तो योजना के ऊपर। तो ये क्वेश्चन जो पूछे हैं अम्मा गांव अम्मा विकास योजना किस राज्य से जुड़ा हुआ है, एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है, ओडिशा। ओडिशा से जो है अम्मा गांव अम्मा विकास योजना की शुरुआत या फिर जुड़ा हुआ है। ये एक प्रश्न कि भारत का पहला वाईफाई स्टेशन कौन सा है, तो ये जो प्रश्न है ना ये प्रश्न नंबर के आपको गिराता है, पता है क्यों, क्योंकि ये सबको पता नहीं होता, ठीक है, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। मैं एक बात कहूं तो, क्योंकि ये मैं कह रहा हूं ना 10% से ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं होगा, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई सेंट्रल। जो मुंबई सेंट्रल है ना वही सबसे पहला वाईफाई स्टेशन बना था भारत का। गोल्डन शू अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो अवार्ड के ऊपर शायद ये तीसरा या चौथा प्रश्न है, तो एक चीज आप ध्यान दे लो कि ये जो अवार्ड है ना इसे भी रट जाओ, ये पढ़ के जाओगे 2 से 3 नंबर। यार देखो सिलेबस ना पता चल गया, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर अवार्ड पुरस्कार जितने भी योजना है, ठीक है, जीएस को छोड़ दो उसे तो आप याद कर ही लोगे, उसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन ये पढ़ लो यही नंबर को बढ़ाएगा घटाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को इसमें पता नहीं होता, लेकिन आप जवाब देकर आओगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो गोल्डन शू अवार्ड जो है इसे सम्मानित किया गया है हैरी कैन को, हैरी कैन को सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ अवार्ड 2017 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आप यहां देख रहे हो ये अवार्ड, एक और प्रश्न जो कि अवार्ड के ऊपर है, अवार्ड को पढ़ लो, आपके पास टाइम है, कुछ बच्चों के भी एडमिट कार्ड भी नहीं आए हैं मैं और देखो एक चीज याद रखना, रेलवे अवार्ड के ऊपर जो प्रश्न पूछता है ना मैं आपको कह रहा हूं 2017 से लेके 2018 का पढ़ के जाओ, अगर आप करके नहीं आए तो फिर बोलना मुझसे, ठीक है। कृष्णा शोभती है, ठीक है, जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड 2017 से सम्मानित किया गया है। और ये एक जनरल अवेयरनेस का ही प्रश्न है कि क्षय रोग के लिए कौन सा टीकाकरण किया जाता है, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीसीजी। बीसीजी जो टीकाकरण है वो किसके लिए किया जाता है, तो क्षय रोग के लिए किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान किसे दिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भृतहरि महताब। भृतहरि महताब जो है उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान दिया गया है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यहाँ पे बात आ जाती है सबसे सर्वश्रेष्ठ सांसद के ऊपर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिपीट होने का चांस है, रट लेना। ये हो गया ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, अगर मान लो 3 शिफ्ट के प्रश्न है तो तीसरा ये ब्रांड एम्बेसडर। पीएनबी के बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये भी बैंक के ऊपर पूछा गया है, सही जवाब हो जाएगा विराट कोहली। विराट कोहली जो है ये पीएनबी बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है। गोबर गैस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, ठीक है, तो गोबर गैस बनता ही मीथेन से है, जीएस का प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है, आप करके ही आए होगे, अगर नहीं करके आए हो तो कोई बात नहीं यार, अब जान लो, आगे के प्रश्न अभी आगे के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में देश के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो यहाँ पे वैज्ञानिक सलाहकार का नाम पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा के विजय राघवन जो है वो वर्तमान में देश के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। और देखिए इससे पहले एक प्रश्न आया था गुणसूत्र होते कितने, अब पूछे गए हैं कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं, तो देखिए प्रश्न अलग अलग रीजन में अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डीएनए और प्रोटीन। गुणसूत्र किसके बने होते हैं, तो डीएनए के, ठीक है, और प्रोटीन के बने होते हैं।
और ये वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेपी नड्डा। जेपी नड्डा जो है वो वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। और ये एक प्रश्न, वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल जो है ये वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ये ALP टेक्नीशियन में भी पूछा गया प्रश्न है। और ये एक प्रश्न, पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो आप सभी को पता होगा इमरान खान, बहुत ही चर्चित नाम है, बहुत ही फेमस हो गए हैं आजकल इमरान खान। गुब्बारे में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम। हीलियम क्या होता है? सबसे हल्का गैस। हवा में उड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो हीलियम का, गुब्बारे को हवा में उड़ने के लिए। और ये आ गया एक और प्रश्न, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है? ठीक है, देखिए फिर से एक सूत्र के ऊपर प्रश्न आया, सूत्र वाला भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। MgOH का टॉइज को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, जो भी हो, धोने का सोडा, खाने का सोडा, सब रट के जाओ। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री अवार्ड किसको दिया गया है? अवार्ड के ऊपर ये हो गया शायद चौथा प्रश्न या तीसरा या फिर पांचवा, मुझे याद नहीं है, लेकिन प्रश्न जो है वो चार तो कम से कम हो ही गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सलमान खान। सलमान खान को ब्रिटिश पार्लियामेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये ALP टेक्नीशियन में 2 से 3 बार पूछा गया प्रश्न है। लो अब क्या कहोगे इसके बारे में, 2 से 3 बार जो है ये ALP टेक्नीशियन में पूछा गया है, डी ग्रुप में भी पूछ ही लिया गया है, आगे भी पूछा जाएगा। आई डू व्हाट आई डू पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक के ऊपर प्रश्न है, रेलवे पूछता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा रघुराम राजन। रघुराम राजन जी ने इस पुस्तक को लिखी है। PC चंद्रा सम्मान को किसको सम्मानित किया गया है? सम्मान से, ठीक है, तो यहाँ पे से किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आशा भोसले। आशा भोसले जो है उन्हीं को PC चंद्रा सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये हमारे हो गए सम्मानित यानी अवार्ड के ऊपर ही। छठा प्रश्न, तो आप देख रहे होगे क्या इसका लॉजिक है। और ये एक वाटर इमेज का प्रश्न जो कि रीजनिंग से है, ठीक है। 11:30 बजे का वाटर इमेज कितना होगा? तो सही जवाब हो जाएगा 7। उस समय क्या, अगर 11:30 बज रहे होंगे, अगर वाटर इमेज की बात की जाए तो 7 बज रहे होंगे। नमस्ते सालोम पत्रिका के लेखक कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे पत्रिका के लेखक के बारे में पूछा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा तरुण विजय। ये जो प्रश्न है मैं कह रहा हूँ 10% भी बहुत ज्यादा कह दिया, इससे कम बच्चे ही करके आए होंगे। बहुत ही मुश्किल प्रश्न है, कोई थोड़े ही ये देखने जाता है इस पत्रिका के कौन है, इस पत्रिका के कौन है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है तरुण विजय। देखिए ऐसे प्रश्न जो है बहुत मुश्किल होते हैं, मैं ये नहीं कहता बहुत आसान है, ये बहुत मुश्किल प्रश्न है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये प्रश्न जो है इसका सही जवाब हो जाएगा 66। 66 पदक राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने जीते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1836। 1836 जो होता है इनका अनुपात होता है। तीसरा ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, तो कल भी पूछा गया था आयोजन के ऊपर, ठीक है, 2 से 3 प्रश्न कल पूछे गए थे और आज भी पूछे गए हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा डरबन। डरबन में हुआ है। अनुमानसिकी का जनक किसे कहा जाता है? ये ALP टेक्नीशियन में भी पूछा गया प्रश्न है और इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुमानसिक का जनक कहा जाता है। और ये एक मुख्यमंत्री के ऊपर प्रश्न, ठीक है, मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री वाले टॉपिक पे जो है आप एक बार देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका सही जवाब हो जाएगा बीरेन सिंह। बीरेन सिंह जो है वो मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। लीप ईयर कितने वर्ष के बाद रिपीट होता है? तो इसका सही जवाब है 4। लीप ईयर, ये जो रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है, ये रीजनिंग का प्रश्न है और रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न में आ जाता है घड़ी का एंगल, वाटर इमेज, ठीक है, और एक आ जाता है आपका काल्पनिक इमेज, ठीक है, और ये भी कि लीप ईयर हो गया या फिर कैलेंडर हो गया, ये सब एक बार पढ़ लो। 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ होगा? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि 22वां राष्ट्रमंडल जो खेल है वो कहाँ पर होगा? तो ये हो जाएगा बर्किंगहम इंग्लैंड। बर्किंगहम इंग्लैंड में ये आयोजन होगा। और ये एक हाइड्रोजन की खोज किसने की? GS का प्रश्न है। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेनरी कैविडिस। हेनरी कैविडिस ने हाइड्रोजन की खोज की थी।
अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड। जो फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 है उसे इंग्लैंड ने जीता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? ठीक है, तो ये ALP में भी पूछा गया प्रश्न है और इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेपीज। स्टेपीज जो है ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और ये और पुस्तक के ऊपर प्रश्न आ गया है। टोटल हो गए हमारे 3 से 4 प्रश्न जो पुस्तक के ऊपर आया है। और पूछा ये गया है व्हाट हैपेंड पुस्तक किसने के द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिलेरी क्लिंटन। ठीक है, और ये प्रश्न भी ALP टेक्निशियन में पूछा गया है। वायुमंडल में ऊपर जाने पर हवा का दबाव क्या होता है? तो सही जवाब होगा कम होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुमंडल में हवा का दबाव कम हो जाता है, जिस वजह से हम सांस भी सही से नहीं ले पाते हैं। D2O का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये रासायनिक नाम के ऊपर एक और प्रश्न और इसका सही जवाब हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। O से तो ऑक्साइड हो जाएगा और D से ड्यूटेरियम हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर कौन है? तो यहाँ पे डिप्टी गवर्नर की बात की गई है और किसकी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की। तो सही जवाब हो जाएगा महेश कुमार जैन। महेश कुमार जैन जो है वो अभी वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर है। और ये एक बहुत ही इजी प्रश्न कि पेटीएम के संस्थापक का क्या नाम है? ठीक है, बच्चा जानता है कि विजय शेखर शर्मा पेटीएम के फाउंडर और संस्थापक है। गांधी सागर पिच ब्लेड किसका अयस्क होता है? तो ये एक अयस्क के ऊपर एक और प्रश्न। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा प्रश्न। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम जो है ये पिच ब्लेड का अयस्क होता है।